स्टूडेंट्स, वेलकम टू केडी कैंपस। स्टूडेंट्स, आज हम केडी कैंपस मॉक टेस्ट 118 के रीजनिंग पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि कैसे रीजनिंग के पार्ट को कम समय में मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट किया जाए। चलिए बच्चे, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बच्चे, वो आपका है एनालॉजी पार्ट से। एनालॉजी में आपको यहाँ पे दो टर्म्स दी जाती हैं, दो वैल्यूज दी जाती हैं, जिनके बीच में एक रिलेशन होता है, और आपको चारों ऑप्शन में से एक वैल्यू फाइंड करनी होती है जो इस टर्म के साथ सेम रिलेशन को बताए। देखिए बच्चे, अगर हम यहां पे देखें तो डिस्टेंस का रिलेशन है ऑडोमीटर के साथ। डिस्टेंस का ऑडोमीटर के साथ रिलेशन क्या है बच्चे? डिस्टेंस दूरी है जिसको मापने के लिए, जिसको नापने के लिए यूज किया जाता है ऑडोमीटर का। मीन ऑडोमीटर एक इक्विपमेंट है जो यूज होता है डिस्टेंस को नापने के लिए। अब हमें यहां पे बताना होगा कि यहां कौन सी वैल्यू आएगी जो सेम रिलेशन इसके साथ बताए। यहां पे है बैरोमीटर। बैरोमीटर भी एक इक्विपमेंट होता है जो किसी को नापने के काम आता है। अब हमें यह बताना है कि बैरोमीटर किसको नापने के काम आता है। तो बच्चे, अगर हम ध्यान से देखें ऑप्शंस को, तो पहला ऑप्शन है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को नापने के लिए बैरोमीटर का यूज नहीं होता है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन कट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन पे चलिए बच्चे, प्रेशर। यस, प्रेशर को नापने के लिए बच्चे हम बैरोमीटर का यूज लेते हैं। तो योर आंसर विल बी बैरोमीटर का आंसर आएगा प्रेशर। चलिए बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चे हमारा एनालॉजी पार्ट से ही है। यहां पे भी हमें, यहां पे दो वैल्यूज के बीच में एक रिलेशन दिया गया है और यहां पे हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है सेम रिलेशन के बीच में, जैसे कि बच्चे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब यहां पे हमें जो दिए गए हैं वो कुछ अल्फाबेट्स दिए गए हैं। तो जब भी आपके पास अल्फाबेट्स दिए जाए बच्चे, आप हमेशा उनका नंबरिंग कर लीजिए। बी सेकेंड पे है, एफ सिक्स पे है, ई फाइव पे है, एन फोर्टीन पे है, ए फर्स्ट पे है, आर एटीन पे है, एस नाइनटीन पे है, ओ फिफ्टीन पे है। जैसे ही बच्चे आप नंबरिंग करेंगे, आपको इनके बीच का रिलेशन जो होगा वो पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने जैसे ही इनका नंबरिंग किया, मुझे यहां पे पता चला कि N से A तक जाने के लिए मुझे माइनस 13 करना पड़ रहा है। सेम देखिए बच्चे, E से R तक जाने के लिए मुझे प्लस 13 करना पड़ रहा है। F से S तक जाने के लिए मुझे माइनस 13 करना पड़ रहा है। B से O तक जाने के लिए मुझे प्लस 13 करना पड़ रहा है। मीन इसने क्या किया है, इन दोनों के बीच में अल्फाबेट्स जो भी हैं उनमें माइनस 13 प्लस 13 माइनस 13 प्लस 13 का रिलेशन बताया है। हम क्या करेंगे बच्चे, सेम फंक्शन हम यहां पे करेंगे। जैसे देखिए बच्चे, O में क्या करेंगे, हम इनका नंबरिंग कीजिए सबसे पहले। F क्या आता है, 6 नंबर पे, L 12 पे, M 13 पे, O 15 पे। हम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इनका भी क्या करेंगे, जो सेम फंक्शन यहां पे लगाया था, O में माइनस 13 करेंगे, M में प्लस 13 करेंगे, L में माइनस 13 करेंगे, F में प्लस 13 करेंगे। तो देखिए बच्चे, जैसे ही मैंने यहां पे O से माइनस 13 किया, मेरे पास क्या आएगा, सेकंड नंबर का अल्फाबेट, वो क्या होगा, B। जैसे ही मैंने यहां से M में से प्लस 13 किया, मेरे पास क्या आएगा, 26, क्या आएगा, जेट। इसके बाद में जैसे ही मैंने L में माइनस 13 किया, क्या आएगा मेरे पास बच्चे, Y। जैसे ही F में प्लस 13 किया, मेरे पास क्या आएगा बच्चे, S। अब मुझे एक ऐसा ऑप्शन देखना है जो B, Z, Y और S को दिखा रहा हूं। तो ऐसा ऑप्शन मेरे पास बच्चे कौन सा है, A ऑप्शन। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, A ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चे हमारा एनालॉजी पार्ट से ही है, और इस क्वेश्चन में हमें नंबर्स दिए गए हैं। इन दो नंबर्स के बीच में एक रिलेशन है और सेम रिलेशन बताने वाला नंबर हमें यहां पे फाइंड करना है। जैसे कि देखिए बच्चे, अगर मैं इस नंबर्स को ध्यान से देखूं तो मुझे एक चीज दिखाई देती है कि 561 का 912 के साथ जो रिलेशन होगा वो या तो प्लस से आएगा या माइनस से आएगा या इनटू से, डिवाइड से, स्क्वायर या क्यूब से आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने इनको देखा, मुझे देखते ये पता चला कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं बन रहा जो परफेक्ट स्क्वायर, क्यूब या मल्टीप्लाई से या डिवाइड से आ जाए। जब भी बच्चे आपको कोई ऐसा नंबर दिखे जिसको एक साथ लेने से ये रिलेशन नहीं आ रहा इजिली, तो आप हमेशा इस नंबर को इंडिविजुअली लीजिए। इंडिविजुअली कैसे बच्चे, 5 को अलग, 6 को अलग और 1 को अलग।
अब 561 से मुझे 912 बनाना है, तो कैसे बनेगा बच्चे? मैं क्या करूंगा, अगर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आता है 30। अगर मैं 30 का स्क्वेयर कर दूं तो मेरे पास आता है 900। अब देखिए बच्चे, अगर मैं इस 900 को यहां पे 5, 6 और 1 जो है इन तीनों नंबर्स को आपस में प्लस कर दूं तो क्या आता है 12 आता है। अब बच्चे अगर मैं 900 में 12 प्लस करता हूं तो मेरे पास आता है 912। इट मींस बच्चे कैसे आ रहा है ये, इनके बीच में रिलेशन कैसे बनाया है इन्होंने कि तीनों जो यहां पे नंबर्स हैं अलग अलग करने के बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, जो हमें रिजल्ट मिला उसका क्या किया, स्क्वेयर किया, और तीनों ही नंबर का आपस में एडिशन किया, और जो एडिशन हमारे सामने आया उसको उसके स्क्वेयर के रिजल्ट में ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, ये वैल्यू मिल गया। अब हमें जो रिलेशन इन दोनों के बीच में मिला है सेम फंक्शन हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चे, अगर यहां पे मैं देखूं तो 141 तीनों को लिखा, तीनों को इंटू कीजिए 4, इसका स्क्वेयर कीजिए, क्या आया बच्चे 16। अब तीनों को फिर से लिखिए 141, तीनों को प्लस कीजिए, क्या आया बच्चे 6, और 16 और 6 को प्लस कर दीजिए 22। क्या आपको दिए गए ऑप्शन में से 22 है? यस बच्चे, आप देखेंगे कि बी ऑप्शन में आपके पास क्या है 22 है, तो योर आंसर विल बी बी ऑप्शन 22। चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको एक डिफरेंट ऑप्शन इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है डिफरेंट है चारों में से। तो देखिए बच्चे, एक चीज हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे चारों ऑप्शंस में हमें नंबर दिए गए और नंबर पेयर में दिए गए हैं। जब भी बच्चे आपको नंबर पेयर में दिए जाए तो आप ध्यान देखिए कि यहाँ पे आपको इनके बीच में एक रिलेशन होगा, हर पेयर के बीच में एक रिलेशन होगा और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा होगा, और जो ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा होगा वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, अलग होगा। तो देखें बच्चे, अगर हम रिलेशन देखें इन ऑप्शंस के बीच में तो मुझे दिखाई दे रहा है कि डिफरेंस तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ना ही एडिशन पॉसिबल है इनके बीच में रिलेशन को प्रूव करने के लिए। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करूं तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा, परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चे जब भी ऐसा हो आप इनका रिलेशन इंडिविजुअली देखिए, इंडिविजुअली जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था 1614, 1614 से मुझे 24 बनाना है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं आपस में तो क्या आ रहा है 24 आ रहा है बच्चे, यस 24 आ रहा है। क्या ये सेम रिलेशन आगे फॉलो हो रहा है, चलो देखते हैं। यहां पे अगर मैं देखूं 569 मैंने मल्टीप्लाई किया, यस 270 ये फॉलो कर रहा है, इट मींस इस ऑप्शन को देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में अगर मैंने देखा 4325, देखिए बच्चे अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ रहा है 120, इट मींस तीन ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं। क्या फोर्थ ऑप्शन भी फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, फोर्थ ऑप्शन को देखते ही पता चलता है बच्चे कि 693 और 0, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सामने वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी बच्चे, तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा फॉलो नहीं कर रहा, तो हमारा ओड वन आउट का जो आंसर होगा वो हमारा डी ऑप्शन होगा 162। चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बच्चे हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें एक ऑप्शन को बताना है जो इनमें अलग है। देखिए बच्चे जब अलग बताना है तो तीन ऑप्शंस को हमें एक कैटेगरी में रखना होगा, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। देखिए बच्चे यहां पे क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है रूट जड़, फ्लावर फूल, फ्रूट फल एंड लीव्स पत्तियां, मतलब चारों ऑप्शन एक पौधे के पार्ट है, चारों ऑप्शन एक पौधे के पार्ट है, तो इनमें अलग क्या है, अलग बच्चे अगर हम देखें तो यहां पे है कि रूट जो है एक ऐसा ऑप्शन है, जड़ जो है वो हमें पौधे का वो भाग है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक पौधे में फ्लावर फ्रूट एंड लीव्स हमेशा दिखाई देते हैं, ये जमीन के अंदर रहने वाला भाग है जो हमें दिखाई नहीं देता है, तो हमारा ऑप्शन जो अलग होगा वो होगा ए।
चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बच्चे हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और इन चार ऑप्शंस में से हमें एक अलग ऑप्शन को बताना है। देखिए बच्चे यहाँ पे हमें अल्फाबेट्स दिए गए और जब भी आपको अल्फाबेट्स दिए जाएं हमेशा उनका नंबरिंग कर लीजिए। यहाँ पे बी का सेकेंड, फोर्थ, 26 सेकेंड, यहाँ पे 13, 15, 11, 13, पी 16, 18, 13 और 16, 20, 22, 18 और 20। देखिए बच्चे जब जैसे ही आप इनका नंबरिंग करेंगे आपको इनके बीच का जो रिलेशन होगा वो क्लियर हो जाएगा। जैसे बच्चे मैंने जैसे ही नंबरिंग किया मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि बी से डी तक प्लस क्या किया गया है, 2 प्लस किया गया है, और अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जेड से बी तक भी प्लस 2 किया गया है, यहां पर भी प्लस 2 किया गया है, यहां पर भी प्लस 2 किया गया है। मींस दोनों ऑप्शन एक रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। इस ऑप्शन में अगर हम देखें प्लस 2 किया गया है, प्लस 2 किया गया है। अब आइए बच्चे लास्ट इस ऑप्शन पे, इस ऑप्शन में प्लस 2 किया गया है बट 13 से 16 M से P तक जाने के लिए इसने प्लस क्या किया है, 3 किया है। इट मींस ये तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो एक रिलेशन को फॉलो करते हैं बट ये ऑप्शन हमारा इस रिलेशन को फॉलो नहीं करता। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे हमें 5 वर्ड्स दिए गए हैं और डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है कि कौन सा वर्ड फर्स्ट नंबर पे आएगा, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड और कौन सा फोर्थ फिफ्थ पे आएगा। देखिए बच्चे जब भी ऐसे होता है आप हमेशा एक काम कीजिए, देखिए कि इनका फर्स्ट लेटर सबका क्या है, सेकंड लेटर क्या है, थर्ड लेटर क्या है, क्योंकि लेटर ही डिसाइड करेगा कि कौन फर्स्ट नंबर पे आएगा। देखिए बच्चे अगर मैं यहां देखूं तो डी आई डबल एल, यहां तक फर्स्ट 4 लेटर सभी में क्या है, सेम है। फर्स्ट 4 लेटर क्या है, सभी में सेम है, तो फोर्थ लेटर तक कोई भी जज नहीं करेगा कि कौन पहले आएगा। लेकिन जैसे ही मैं ऑप्शन में देखूं यहां फिफ्थ लेटर की बात करूं, यहां पे ई है, इन सभी में फिफ्थ लेटर जो है वो डी है। अब देखिए यहां पे क्या है, फिफ्थ लेटर इनमें अलग है, यहां पे ई है, ई पहले आएगा बच्चे या वाई पहले आएगा, वाई पहले आएगा बच्चे या ई पहले आएगा। देखिए बच्चे ई पहले आएगा, जब ई पहले आएगा तो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, फोर्थ आएगा, और फोर्थ अगर फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो इसको यहां से क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। अब इसके बाद देखना है बाकी रिमेनिंग 4 जो हमें वर्ड्स हैं कि इनमें से पहले कौन आएगा। अगर इनमें मैं बच्चे देखूं तो यहां तक के वर्ड्स जो है, लेटर्स जो है वो सभी में क्या है, सेम है। डबल एल तक यहां तक की पोजीशन पे क्या है, सेम है, जो सेम है वो डिसाइड नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद अगर देखूं तो यहां पे आई ई डी है, इन दोनों में आई ई एस है। बच्चे डी पहले आएगा या एस पहले आएगा, डी पहले आएगा, तो इट मींस सेकंड नंबर पे कौन आएगा, 2 जो नंबर है वो सेकंड नंबर पे आएगा। इसके बाद थर्ड पोजिशन पे अगर मुझे देखना है तो बच्चे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये तीन वर्ड्स मेरे पास बच गए। इन तीनों में अगर मैं देखूं तो यहां के बाद, यहां देखिए एस आ रहा है, यहां देखिए बच्चे आई एन जी, यहां देखिए बच्चे कुछ भी नहीं है, इट मींस जस्ट बाद क्या आएगा, फिफ्थ। अब देखिए बच्चे यहां के बाद ये दो वर्ड्स बच जाते हैं, इन दोनों वर्ड्स में पहले कौन आएगा, ऑब्वियसली बच्चे 3 आएगा, क्योंकि यहां तक तो सेम है वाई तक तो, लेकिन यहां क्या है, आई एन जी है, और यहां पे कुछ भी नहीं है, तो फर्स्ट कौन आएगा इनमें से, थर्ड आएगा, तो लास्ट में कौन आ जाएगा, 1। अब आपको एक ऐसा ऑप्शन देखना है जो 4, 2, 5, 3, 1 को बता रहा हो, और ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है बच्चे, जो बी ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा। चलिए बच्चे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे हमें कुछ लेटर्स दिए गए हैं और इनके बीच में हमें बताना है कि कौन से लेटर आएंगे जो इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बच्चे जब भी आपको लेटर्स की एक सीरीज दी जाए आप हमेशा उसको काउंट कर लीजिए कि उस सीरीज में टोटल कितने लेटर्स हैं। अगर मैं यहां पे काउंट करूं बच्चे तो टोटल है 16। अब 16 लेटर की अगर वो सीरीज बनेगी तो सीरीज कैसे बनेगी बच्चे, वो सीरीज या तो 2-2 के ग्रुप में होगी या 4-4 के ग्रुप में होगी।
मैं मानता हूं कि 4-4 के ग्रुप में मैक्सिममली सीरीज बनती है, तो मैं इनको 4-4 के ग्रुप में डिवाइड कर लेता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. अब मैं ये मानता हूं कि इस 4-4 के पेयर में एक सीरीज मुझे मिलेगी। जैसे ही बच्चे आप डिवाइड करेंगे इनको पेयर्स में, आपको यहां दिखाई दे रहा है कि L के बाद कुछ आएगा, एक लेटर आएगा और N और O एक सीरीज बनेगा। अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चे, तो यहां L के बाद मुझे M दिखाई दे रहा है। अगर ये रिपीटिंग सीरीज है तो मैं यहां पे M लेता हूं, L M N O। अब देखिए बच्चे, यहां पे मुझे M और L दिखाई दे रहा है, इसका अपोजिट, इट मींस ये सीरीज कैसे है, इसमें क्या किया गया, यहां पे एक मिरर लगा दिया गया है और ये सीरीज क्या बनेगी अब, O N M L। अब देखिए बच्चे, इसके बाद फिर वही सीरीज L M N और O, यहां पे फिर से एक मिरर मान लीजिए जो क्या करेगा, इसको मिरर करेगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, O इसके बाद में N M और L। अब देखिए बच्चे, हमने क्या फिल किया है, M O N N और N। एक ऐसा ऑप्शन हमें देखना है जो हमें ये बताए कि यहां पे M O ट्रिपल N आएगा। देखिए बच्चे, M O ट्रिपल N का ऑप्शन हमारे पास है D ऑप्शन, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, D ऑप्शन हमारा आंसर होगा। चलिए बच्चे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे डायरेक्शन टेस्ट पे है। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चे, जैसा जैसा क्वेश्चन आपसे कहता है वैसा एक डायग्राम बनाते जाइए। जैसे कि क्वेश्चन ने कहा है, सुमित स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज होम फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन। देखिए ये कह रहा है कि सुमित अपने घर से, मान लीजिए ये सुमित का घर है और ये इससे वेस्ट डायरेक्शन की ओर, पश्चिम दिशा की ओर कितना चलता है, चलना स्टार्ट करता है। अब ये कह रहा है आफ्टर वॉकिंग 15 किलोमीटर, मींस उसने कितना चला, 15 किलोमीटर। ये कह रहा है बच्चे 15 किलोमीटर ही टेक्स ए राइट टर्न एंड वॉक्स अनदर 10 किलोमीटर। यहां से बच्चे वो राइट टर्न लेता है, तो यहां से इसका राइट टर्न किस साइड होगा, ऊपर की तरफ, और कितना चला, 10 किलोमीटर। ही टेक्स अनदर राइट टर्न एंड वॉक्स 20 किलोमीटर। अब यहां से फिर से राइट टर्न ले रहा है और कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर। देखिए अब ये कह रहा है टू रीच हिज स्कूल, यहां पे उसका क्या है, स्कूल है। अब क्वेश्चन कह रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम, अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो बच्चे जब भी ऐसा डायग्राम बना है हम क्या करते हैं, यहां पे इसको ऐसे मिला देते हैं, एक जैसे ही हमने इसकी दूरी को मिलाया, यहां से हमें क्या मिला, एक 90 डिग्री का ट्राइंगल मिला। और 90 डिग्री का ट्रायंगल मिला, साथ में हमें यह पता चला कि अगर ये कंप्लीट दूरी यहां से यहां तक की 20 किलोमीटर है और ये इसके जस्ट सामने जो है ये 15 किलोमीटर है, तो ये दूरी कितनी होगी बच्चे, 5 किलोमीटर। अब देखिए यहां सामने ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, ये अगर 10 किलोमीटर है तो ये कितना होगा, 10 किलोमीटर। अब देखिए बच्चे 90 डिग्री का ये एंगल जो बन रहा है यहां पे, इस ट्रायंगल में एक साइड 10 है, एक साइड कितनी है, 5 है, और सबसे बड़ी साइड हमें पता करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट में, देखिए बच्चे क्या आया, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 root 5 किलोमीटर। इट मींस उसका स्कूल और घर की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो कितना है बच्चे, 5 root 5 किलोमीटर। चलिए बच्चे ऑप्शन देखते हैं, हमारा बी ऑप्शन जो है ये बता रहा है कि 5 root 5 किलोमीटर, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, बी ऑप्शन। चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे रैंकिंग बेस्ड है। इस क्वेश्चन में जो आपको लैंग्वेज कहता है सेम डायरेक्शन टेस्ट की तरह करते जाइए। जैसे क्वेश्चन कह रहा है इन ए क्लास अमित हैज मोर मार्क्स देन अनु, अमित के जो मार्क्स हैं वो किससे ज्यादा है बच्चे, अनु से, तो अनु के मार्क्स क्या हैं, कम है। इसके बाद एंड रीना डज नॉट हैव द लीस्ट मार्क्स, रीना के मार्क्स सबसे कम नहीं है, कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं रीना सबसे कम मार्क्स नहीं है, ज्यादा है या कम है किसी से
नहीं बता सकते, लेकिन रीना के सबसे कम मार्क्स नहीं है, तो रीना को साइड में कर लिया कि सबसे कम मार्क्स नहीं है। अब देखिए इसके बाद कह रहा है सागर हैज मोर मार्क्स देन तरुण, सागर के मार्क्स जो है तरुण से ज्यादा है, तरुण हैज मोर मार्क्स देन अमित, तरुण के मार्क्स किससे ज्यादा है, अमित से, तरुण मार्क्स किससे ज्यादा है, अमित से। इसके बाद कह रहे सागर हैज मोर मार्क्स देन तरुण, तो देखिए सागर कहां आएगा, सबसे ऊपर। अब ये क्या कह रहा है, हु अमंग देम विल हैव द लीस्ट मार्क्स, इन सभी में सबसे कम मार्क्स किसके हैं। देखिए बच्चे रीना का तो ऑप्शन पहले ही कट गया, रीना के पास तो है ही नहीं सबसे कम मार्क्स, इसको हटा देते हैं। इनमें अगर देखें तो सबसे कम मार्क्स किसके हैं, अन्नू के, सबसे कम मार्क्स किसके हैं, अन्नू के। तो बच्चे हमारा आंसर क्या होगा, अन्नू, बी ऑप्शन अन्नू हमारा आंसर होगा। चलिए बच्चे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बच्चे हमें नंबर सीरीज दिया गया है और हमें बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो इस सीरीज को कंप्लीट करेगा। बच्चे जैसे ही आप इस सीरीज को देख रहे हैं आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ पे इन नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, मल्टीप्लाई या डिवाइड की बजाय हमें यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं और डिफरेंस हमें बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। इट मीन्स मे बी ये सीरीज किस पे हो, डिफरेंस पे बेस्ड हो। जब ऐसा है तो इनका डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंस कितना है बच्चे, 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 27 का डिफरेंस है, यहाँ पे बच्चे 16 का डिफरेंस है, यहाँ पे बच्चे 125 का डिफरेंस है। अब देखिए बच्चे हमें ये डिफरेंस देखने के बाद एक चीज क्लियर हो गया कि ये जो डिफरेंस है ये सीरीज तो बना रहा है कोई ना कोई, क्या सीरीज बना रहा है बच्चे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब। देखिए बच्चे यहां पे हर बार प्लस 1 किया गया, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यहां पे भी क्या होगा प्लस 1, 6 आएगा। यहां स्क्वायर था, यहां क्यूब किया गया, स्क्वायर था क्यूब किया गया, यहां क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे बच्चे, और जैसे ही स्क्वायर किया क्या आएगा यहां पे, यहां पे क्या आएगा बच्चे 36। अब देखिए बच्चे 194 और 36 को जैसे ही हम ऐड करेंगे हमें क्या वैल्यू मिलेगा बच्चे 230, हमारा ऑप्शन है 230। यस बच्चे हमारा ए ऑप्शन जो है 230 है, हमारा राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चे हमारा सीरीज पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा ऑप्शन इस नंबर सीरीज को कंप्लीट करेगा। बच्चे सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह यहां पे भी अगर हम देखें इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, बहुत कम है। तो जब भी बच्चे सीरीज में डिफरेंस कम हो सबसे पहले उसी को देखिए कि वो क्या है, उसी पे आपको मिलेगा। जैसे यहां से यहां तक 69 से 149 के बीच का डिफरेंस कितना है बच्चे 80, मीन यहां कितना किया गया प्लस 80 किया गया है। यहां पे देखिए बच्चे 149 से 189 तक क्या किया गया है प्लस 40 किया गया है, यहां देखिए बच्चे 189 से 209 तक प्लस 20 किया गया है, यहां देखिए बच्चे यहां पे प्लस 10 किया गया है। अब देखिए बच्चे जैसे ही आपने इनके बीच का डिफरेंस देखा आपको एक चीज क्लियर हो गया, 80 का डिवाइड बाई 2 डिफरेंस यहां लिया है, 40 का डिवाइड बाई 2 डिफरेंस यहां पे लिया, 20 का डिवाइड बाई 2 डिफरेंस यहां लिया। अब देखिए बच्चे यहां से 10 से डिवाइड बाई 2 क्या आएगा 5, 5 का डिफरेंस अगर मैं यहां पे ऐड कर दूंगा तो 219 में अगर 5 ऐड करूंगा तो बच्चे क्या आएगा 224 आएगा, और 224 मेरा कौन सा ऑप्शन है बच्चे, ऑप्शन ए ऑप्शन है। चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपका लेटर्स की सीरीज पे डिपेंड है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो इस लेटर्स की सीरीज को कंप्लीट करेगा। तो बच्चे जब भी आपको लेटर्स मिले हमेशा उनका नंबरिंग कर लीजिए, वी 22 पे, 23 पे, 24 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, एच 8 पे, आई 9 पे, जे 10 पे। अब देखिए बच्चे जैसे ही आप नंबरिंग करेंगे आपको यहां पे इनके बीच जो डिफरेंस है वो आपको दिखाई दे रहा है,
अब डिफरेंस अगर देखें तो बच्चे वी से बी तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस 6 करना पड़ेगा। W से आपको C तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 6 करना पड़ेगा। सेम X से D तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ा बच्चे, प्लस 6 करना पड़ा। क्या यही सेम पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है? यस बच्चे, B से H तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ा, प्लस 6। अब देखिए C से आपको A तक पहुंचने के लिए प्लस 6, D से J तक पहुंचने के लिए भी आपको प्लस 6। अब बच्चे अगर ये पैटर्न यहां फॉलो हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आगे भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। अब देखिए H से प्लस क्या कीजिए, 6। H से प्लस 6 किया बच्चे क्या आएगा, इसके बाद I से प्लस 6 और J से प्लस 6। अब देखिए बच्चे H में जैसे ही प्लस 6 किया, 8 एंड 6 14 N आ जाएगा। इसके बाद में I में 6 प्लस किया O आ जाएगा, J में प्लस 6 किया P आ जाएगा। आपका वो ऑप्शन जो N और O P दिखा रहा हो, आपका राइट ऑप्शन होगा B। चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे हमें यहां पे एक वर्ड दिया गया है और हमें पूछा गया है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा वो वर्ड है जो इसके लेटर्स को यूज करके नहीं बनाया जा सकता। जब भी बच्चे ऐसा क्वेश्चन आपके सामने हो, हमेशा चारों ऑप्शन के हिसाब से ही इसको कीजिए। सबसे पहला ऑप्शन हमारा है R A T E, इसके लेटर्स क्या इस वर्ड में है, यस R A T E, यस बच्चे ये है तो ये बनाया जा सकता है, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सेकेंड में देखिए बच्चे R A T E तो इसमें था ही, यही इसमें है, ओनली अलग क्या है C, तो बस C को चेक कीजिए कि क्या इसमें C है, यस yes. तो ये भी ऑप्शन क्या हो सकता है, इससे बनाया जा सकता है। अब देखिए बच्चे इस ऑप्शन में अगर देखें तो P E R I O D, P E R I O, लेकिन D हमारे पास इस वर्ड में नहीं है, और जब नहीं है तो हम ये वाला जो लेटर है नहीं मिलने की वजह से इस पीरियड को हम यहां नहीं बना सकते। जब नहीं बना सकते तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, हमारा आंसर होगा सी, जो हम इस वर्ड से फॉर्म नहीं कर सकते। चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे हमें एक वर्ड दिया गया है और इसका एक कोड दिया गया है नंबर्स में। बच्चे सबसे पहले हमें ये जो वर्ड दिया गया है इसके कोड को डीकोड करना है, और जो डीकोड हम जिस फॉर्मेट में करेंगे उसी फॉर्मेट में हमें नेक्स्ट वर्ड का कोड बताना है। जैसे देखिए बच्चे यहां पे क्या है, जो वर्ड दिया गया है उसमें लेटर्स है, और जैसे ही आपको लेटर्स कहीं भी मिलते हैं हमेशा उनका जो नंबर है, अल्फाबेट ऑर्डर जो है वो नंबर हमेशा लिख लीजिए। टी कौन से नंबर पे आता है बच्चे, 20, ए फर्स्ट पे, आर 18 पे, जी 7 पे, ई 5 पे, टी 20 पे। अब जो आपका कोड बनेगा वो तो इन या तो इन नंबर्स के मल्टीप्लाई से बनेगा, या डिवाइड से बनेगा, प्लस से बनेगा, या एज इट इज भी बन सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है तो ये इसके जैसा इसके नंबर्स हैं अल्फाबेट के अकॉर्डिंग वैसा ही इनको लिख दिया गया है और हमारा क्या बन गया, कोड बन गया। अब सेम फंक्शन हम क्या करेंगे यहां पर अप्लाई करेंगे कि जो इनका अल्फाबेटिकली ऑर्डर है वही हम लिख देते हैं। क्या आएगा, 23, 9, 12, 12, 9, 21 एंड 13। अब हमें देखना है बच्चे कि कौन सा ऑप्शन है जो इस को फॉलो करता है। तो देखिए बच्चे हमारा ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन जो है वो इसको फॉलो कर रहा है, तो विलियम जो वर्ड हमें दिया था उसका कोड क्या होगा, ए ऑप्शन उसका आंसर होगा। चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे हमें इक्वेशंस दी गई हैं और उनको स्पेशली मेथड से सोल्व किया गया है। स्पेशली मेथड का मतलब बच्चे 7 को अगर 9 से डिवाइड करूं और -4 करूं तो 67 नहीं आएगा। सेम यहां पे 15 को 3 से डिवाइड करूं और -7 करूं तो 52 नहीं आएगा। इट मींस इसने प्लस को माइनस को डिवाइड को कुछ अलग माना है। अब देखिए बच्चे यहां पे क्या है, अगर मैं 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस 4 कर दूं तो क्या आएगा,
67 आएगा। सेम प्रोसीजर यहां पे करते हैं, 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 7 किया तो 52 आ रहा है। इट मींस ये डिवाइड को किसमें कंसीडर कर रहा है, मल्टीप्लाई में कंसीडर कर रहा है, माइनस को किसमें कंसीडर कर रहा है, प्लस में कंसीडर कर रहा है। सो दैट स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड करनी है कि ए की जगह कौन सी वैल्यू आए इस ऑप्शन में से जो ए के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 17 को और प्लस 9 करने के बाद 128 आंसर दे। तो बच्चे अगर मैं 17 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस 9 कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा 128। इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो मेरा आंसर क्या होगा बच्चे 7। चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे हमें एक डायग्राम दिया गया है और इस फिगर में हमें बताना है कि टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं। बच्चे अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये तीन ट्राइंगल से मिलकर के बनी हुई फिगर है। अब देखिए बच्चे तीन ट्राइंगल से मिलकर बनी हुई है, तीनों ट्राइंगल को हम अगर देखें तो एक ट्राइंगल तो ये है, तीनों को अगर अलग अलग करें एक ये बीच में है, एक बीच में है और थर्ड ट्राइंगल नीचे है। अब देखिए बच्चे अगर मुझे इनको काउंट करना है तो मैं कैसे काउंट कर सकता हूं कि एक ट्राइंगल तो ये एक्स्ट्रा हो गया यहां पे, ये जो ट्राइंगल है इसमें टोटल कितने ट्राइंगल है बच्चे, इसमें 1 2 दोनों को प्लस कर दिया 3। यहां पे इस ट्राइंगल में 3 ट्राइंगल है। अब देखिए बच्चे लास्ट में ये बच गया, यहां पे भी 1 ट्राइंगल है। अब देखिए बच्चे ये तो मैंने तीनों को अलग अलग काउंट किया, लेकिन अगर मैं तीनों को एक फिगर में काउंट करता हूं तो कुछ ऐसे ट्राइंगल भी हैं जो इनको जोड़ने से बने हैं, फिगर को आपस में जोड़ने से बने हैं। वो कौन से हैं, जैसे बच्चे ये वाला ट्राइंगल जो है ये इस और इस ट्राइंगल को जोड़ने से बना है, तो ये ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, एक ट्राइंगल यहां पे हो गया। अब देखिए एक ट्राइंगल और बच्चे, इन दोनों फिगर में अगर मैं जोड़ता हूं इस वाली फिगर और इस वाली फिगर को तो ये वाला ट्राइंगल बनता है बच्चे, ये ट्राइंगल बन गया, एक ट्राइंगल यहां पे भी मिल गया मुझे। अब देखिए बच्चे इस फिगर को और इस फिगर को जोड़ने से इस लाइन की वजह से एक ट्राइंगल यहां पे भी बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है बच्चे, तो एक ट्राइंगल एक्स्ट्रा यहां पे भी बन गया। अब सभी को मैं काउंट कर सकता हूं, ये इंडिविजुअली है और ये इनके मिलाने से बने हैं, तो कितने हो गए 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल मेरे पास कितने ट्राइंगल है बच्चे, टोटल मेरे पास 8 ट्राइंगल्स हैं और मेरा आंसर क्या होगा बच्चे, ए ऑप्शन 8 ट्राइंगल्स। चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। हमें यहां पे तीन फिगर्स दी गई हैं जिनमें नंबर्स लिखे गए हैं। बच्चे हमें यहां पे देखते हैं कि 94 और इसके आउटर में कुछ नंबर्स लिखे गए हैं। बच्चे जब भी ऐसा हो आपको बीच का नंबर बड़ा मिल रहा है, इट मींस ये नंबर इन सभी नंबर्स के आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड या प्लस माइनस से आ रहा होगा। अब जैसे बच्चे अगर मैं यहां पे देखूं तो 8 एंड 5 अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास क्या आता है 40। 9 एंड 6 कितना आता है बच्चे 54। अगर इन दोनों को प्लस कर देता हूं तो 94। इट मींस यहां पे क्या किया गया है, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों वैल्यूज को भी आपस में मल्टीप्लाई और जो रिजल्ट आ रहा है उसको ऐड किया गया है। यहां पे भी अगर बच्चे मैं देखूं तो 15 और 3 का क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना आता है बच्चे 45। और 10 और 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना आता है बच्चे 20। अगर दोनों को ऐड किया तो 65। सेम प्रोसीजर कहां फॉलो होगा, यहां पे फॉलो होगा बच्चे। अब मुझे यहां पे मिसिंग नंबर बताना है तो मैं यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कितना आया बच्चे 25। अब इन दोनों का रिजल्ट 25 है तो मुझे इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे इन दोनों का एडिशन कितना मिले बच्चे 125। इट मींस अगर ये 5 है तो इस 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे यहां पे 100 मिले, 20 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे। और 20 का ऑप्शन मेरे पास कहां है बच्चे, यस सी ऑप्शन 20 है, जो ये बता रहा है कि अगर यहां 20 होगा तो 5 एंड 20 100 होगा और 5 एंड 5 25 तो 125 आएगा। यस बच्चे चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिलोग पर आधारित है।
इस क्वेश्चन में बच्चे देखिए, आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं और दो कंक्लूजन दी गई है। आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट के बेस पे ये जो दो कंक्लूजन है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। बच्चे हम इसके लिए इनका वेन डायग्राम बनाएंगे। जैसे देखिए बच्चे, ये कह रहा है सम पेंस आर पिंस। इट मींस वेन डायग्राम हम बनाते हैं अगर ये पेंस हैं, ये कह रहा है सम पेंस आर पिंस। सम पेंस क्या है? पिंस है। देखिए बच्चे, दूसरा कह रहा है ऑल पिंस आर लाइटर्स। जितनी पिंस हैं वो सारे के सारे क्या हैं? लाइटर्स हैं। यस बच्चे, अब देखिए, अभी आपसे कह रहा है कि कंक्लूजन पहला क्या है, सम लाइटर्स आर पेंस। सम लाइटर्स आर पेंस, कुछ लाइटर्स जो हैं वो पेन हैं। यस बच्चे, ऐसा पॉसिबल है। तो ये जो कंक्लूजन है ये फॉलो करता है बच्चे, तो इसको हम क्या कहेंगे? यस, इट फॉलोस। सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है बच्चे? सम पेंस आर नॉट पिंस। बच्चे एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप सिलोग कर रहे हैं हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट से केवल पॉजिटिव कंक्लूजन ही निकलेगा, कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो बच्चे देखिए, आपको यहां पे स्टेटमेंट दिया गया है उसमें नोट है, इट मींस ये क्या है? नेगेटिव कंक्लूजन है, और ये यहां पे कहीं पे भी नोट नहीं है, तो इट मींस पॉजिटिव स्टेटमेंट से ये नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकल सकता, तो ये फॉलो नहीं करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा। तो अब हमारा कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। हमारा आंसर क्या होगा? डी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। बच्चे चलिए बच्चे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ब्लड रिलेशन पर आधारित है। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चे, जो आपको कह रहा है उसका हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं। जैसा क्वेश्चन ने कहा है हम उसका एक फैमिली ट्री बनाएंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर क्या होगा। देखिए बच्चे, क्वेश्चन कह रहा है ए बॉय एंड ए गर्ल आर प्लेइंग इन ए पार्क। एक लड़का और एक लड़की एक पार्क में खेल रहे हैं। अब ये कह रहा है द ओनली डॉटर ऑफ द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ द गर्ल इज द सिस्टर ऑफ द बॉयज फादर। जो लड़की खेल रही है उसके जो नाना जी हैं उनकी बेटी लड़के के पिता की क्या है? सिस्टर है। अब ये कह रहा है हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू गर्ल। अब लड़का लड़की से किस तरीके से रिलेटेड है? मान लीजिए हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं, ये रहा एक लड़का और ये लड़की। अब इसने कहा कि लड़की के जो नाना जी हैं, इट मींस इसकी क्या है यहां पे? एक मदर है। अब बच्चे इसने कहा इसके ग्रैंडफादर, नाना जी जो हैं, इसके जो ग्रैंडफादर हैं, लड़के से किस तरीके से रिलेशन बताया है? लड़के से इसने कहा है कि लड़के के जो फादर हैं, लड़के के जो फादर हैं वो लड़की के नाना जी की बेटी के क्या है? ब्रदर है। ये दोनों क्या है? ब्रदर सिस्टर हैं। अगर ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं तो अब इसने पूछा है कि जो लड़का है वो लड़की से किस तरीके से रिलेटेड है, तो ये दोनों क्या हो गए बच्चे? ये आपस में क्या हो गए? कजन्स हो गए। इनका रिलेशन क्या आएगा? कजन्स का बच्चे। तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? बी ऑप्शन, कजन्स हमारा आंसर होगा। चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे हमें एक डाइस की दो पोजीशंस दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें जो नंबरिंग लगा है, अगर फाइव नंबर जो है वो टॉप पर होगा तो बॉटम पर उस सिचुएशन में कौन सा नंबर होगा। मींस ये पूछना चाहता है कि फाइव के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। अब देखिए बच्चे, यहां पे जब दो पोजीशन हमें दी गई हैं एक ही डाइस की, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उनमें देखिए क्या कोई एक नंबर कॉमन है। यस, टू कॉमन है। जो भी नंबर कॉमन है उसको लिखिए और एक डाइस को उस नंबर से क्लॉकवाइज चलिए। टू से अगर मैं क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करता हूं तो बच्चे पहले आता है सिक्स, फिर क्या आता है? वन। टू से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट किया, पहले सिक्स फिर वन, इसके बाद में थ्री, दूसरे डाइस में टू के बाद क्या आ रहा है? थ्री। थ्री से चलना स्टार्ट किया तो थ्री एंड फोर, दूसरे डाइस में थ्री एंड फोर टू के। अब देखिए बच्चे, आपके पास ये जो टेबल बनती है, इस टेबल में आपके ये जो हैं आपस में अपोजिट हैं, इनके ये क्या है? अपोजिट है। वन के अपोजिट क्या आएगा? फोर आएगा। सिक्स के अपोजिट क्या आएगा? थ्री आएगा।
टू के अपोजिट टू तो नहीं आ सकता बच्चे, तो टू के अपोजिट क्या आएगा, जो मिसिंग नंबर है जब दोनों नंबर कॉमन है तो एक ऐसा नंबर होगा जो यहां पे क्या है, इस डाइस की दोनों पोजीशन में दिखाई नहीं दे रहा, मिसिंग नंबर होगा, वो नंबर क्या है, फाइव। तो इट मींस यहां टू नहीं आएगा, फाइव आएगा। तो टू के अपोजिट क्या हो गया बच्चे, फाइव हो गया। तो हमेशा याद रखें, जब भी कोई नंबर इन दोनों में मिसिंग है वो हमेशा कॉमन नंबर के क्या होगा, अपोजिट होगा बच्चे। तो यहां पे 2 के अपोजिट क्या है, 5। क्वेश्चन क्या जानना चाहता है कि जब 5 टॉप पर होगा तो बॉटम पे क्या होगा बच्चे, बॉटम पे होगा 2। योर आंसर विल बी 2। चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमें तीन यहां पे वर्ड्स दिए गए हैं और इन तीनों चीजों के बीच में रिलेशन बताने वाला हमें एक वेन डायग्राम बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा होगा जो इन तीनों के बीच के रिलेशन को बताए। देखिए बच्चे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप हमेशा कोई भी दो वैल्यूज ले लीजिए, कोई भी दो वैल्यूज इनमें से ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने ब्लू और फ्रूट को ले लिया और इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूं। देखिए बच्चे, इन दोनों के बीच का क्या रिलेशनशिप है, मान लीजिए मैंने ये कहा कि ये सभी टोटल क्या है, ब्लू है। ये कुछ चीजें हैं या ब्लू कलर है, कुछ भी है, ये क्या है, ब्लू है। अब ब्लू एंड फ्रूट, क्या कोई फ्रूट ब्लू हो सकता है, यस। इट मींस बच्चे ये मेरा क्या है, फ्रूट है, और ये क्या है, ब्लू है। अब ये रिलेशनशिप क्या बता रहा है बच्चे, कि कुछ फ्रूट क्या होते हैं, ब्लू होते हैं, कुछ फ्रूट ऐसे भी होते हैं जो ब्लू नहीं होते हैं। कुछ ब्लू क्या होते हैं, फ्रूट होते हैं, और ब्लू एक क्या है, कलर भी है, फ्रूट नहीं है। तो इट मींस ये रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में बनता है। अब देखिए, थर्ड है पिंक। पिंक का इन दोनों के साथ क्या रिलेशन है, अगर बच्चे मैं देखूं तो पिंक क्या है, एक कलर है, फ्रूट पिंक हो सकता है, फ्रूट जो है वो पिंक हो सकता है, तो ये पिंक आ गया। और पिंक जरूरी नहीं कि हर पिंक फ्रूट हो, तो ये वो पिंक है जो कलर है, एक फ्रूट नहीं है, और पिंक कभी भी ब्लू नहीं होता। तो इट मींस मेरा यहां पे तीनों के बीच का रिलेशनशिप बताने वाला एक डायग्राम ये बनता है। तो इट मींस बच्चे मेरा आंसर क्या होगा, आंसर होगा बच्चे मेरा डी ऑप्शन, जो ये बता रहा है इन तीनों के बीच के रिलेशनशिप को। चलिए बच्चे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे हमें यहां पे एक फिगर दिया गया है और इसी फिगर को हमें दिए गए चार ऑप्शंस में से फाइंड करना है कि कौन से ऑप्शन में ये फिगर हमें मिलेगा। देखिए बच्चे, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आता है आप हमेशा चारों ऑप्शंस को चेक कीजिए। मान लीजिए ये वाला जो फिगर है, इसको अगर चारों ऑप्शन देखता हूं तो इसी फिगर को ट्राइंगल में फिट किया गया है। अब मुझे चारों ऑप्शंस में चेक करता हूं, अगर इस ऑप्शन में मैं देखूं तो मुझे इस डायग्राम का ये वाला पार्ट तो मुझे यहां पे मिल रहा है, बट ये जो ऊपर का मुझे ये डायग्राम जो चाहिए, ये लाइनिंग जो चाहिए, ये यहां पे नहीं है, लेकिन ये इस साइड लाइनिंग है। तो ये वाला मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चे। अगर इसमें ऑप्शन में देखूं मैं तो ये बिल्कुल, ये फिगर बिल्कुल भी इस ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, बिल्कुल भी नहीं है, नीचे भी नहीं है और ऊपर की लाइनिंग भी नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा क्या हो जाएगा बच्चे, कट हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, इस वाले ऑप्शन में मैं अगर देखूं तो मुझे यस, यहां से लेकर के ये वाली आकृति इसके अंदर यहां तक तो दिखाई दे रही है इस लाइनिंग में, बट नीचे का जो लाइनिंग है वो मुझे नहीं मिल रहा है। इट मींस ये वाला फिगर भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं इस फिगर की बात करता हूं, इस ऑप्शन पे जाते ही मुझे ये कंप्लीट फिगर यहां पे दिखाई दे रही है। तो इट मींस बच्चे मेरा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, मेरा आंसर होगा बी। चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे हमें एक फिगर दिया गया है और हमसे पूछा है कि अगर यहां पे ये एन और एम मिरर हो तो बताइए चारों ऑप्शन में से इसका मिरर इमेज कौन सा होगा। मींस हमें इस फिगर का मिरर इमेज बनाना है। बच्चे जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन आता है हमेशा ध्यान रखें कि मिरर इमेज ओनली राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, इसके अलावा अप एंड डाउन में मिरर इमेज में कोई भी चेंज नहीं होता है। इट मींस ये जो फिगर हमारे सामने है इसका हम जब मिरर बनाएंगे तो जो चीज मिरर के पास है वो मिरर के पास रहेगी, जो चीज मिरर से दूर है इस फिगर की वो मिरर से दूर रहेगी। जैसे मान लीजिए ये दो लाइंस जो दी गई है, छोटी छोटी दोनों लाइंस हमेशा मिरर के
क्या रहेंगी? पास रहेंगी, और ये जो छोटी वाली ये लाइन है ये क्या रहेगी? मिरर से दूर रहेगी। तो बच्चे इस फिगर का हम मिरर फिगर बनाते हैं, तो देखिए क्या होगा, ये जो बड़ी लाइन है ये क्या है, राइट साइड में है, मिरर के पास में है, तो हम इसको क्या करेंगे, मिरर के पास ही करेंगे। देखिए बड़ी लाइन को मिरर के पास कर दिया, अब देखिए इस बड़ी लाइन पर ही दो लाइंस हैं, उन दोनों लाइंस को बना दीजिए। अब ये छोटी वाली लाइंस जो मिरर से दूर थी, इसको मिरर से क्या कर दीजिए, दूर ही कर दीजिए। अब देखिए बच्चे, जो अप एंड डाउन में कोई चेंज है वो नहीं होगा, यहां पे ऊपर एक स्टार बनाया गया है, पॉइंट बनाया गया है, ये चेंज नहीं होगा। अब देखिए बच्चे, हमारी जो मिरर इमेज है इसकी क्या बनेगी, ये फिगर बनेगी, और ये फिगर हमें कौन से ऑप्शन में मिलती है बच्चे, हमें ये मिलता है ए ऑप्शन में मिलता है। इट मींस इसका आंसर क्या होगा बच्चे, ए इसका आंसर होगा। चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चा हमारा है वो एक पेपर कटिंग और फोल्डिंग पे है, कि अगर किसी भी एक पेपर को इस तरीके से फोल्ड किया जाता है और फिर उसे यहां से कट किया जाता है, तो बताइए नीचे चार ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो ओपन होने के बाद वो पेपर कैसा दिखेगा। ए पेपर इज फोल्डेड एंड कटेड एज पर द डायग्राम एंड इफ इट इज ओपन्ड हाउ इट विल बी सीन। अब वो ओपन होने के बाद कैसा दिखेगा ये हमें बताना है। तो देखिए बच्चे यहां पे हम एक चीज देखते हैं, इस एक पेपर को फोल्ड कैसे किया गया। सबसे पहले एक ट्रायंगल के शेप में हाफ फोल्ड किया गया है, उसको फिर वापस से रिपीट हाफ फोल्ड किया गया है, और यहां से उसको कट किया गया है। हम स्टार्ट यहां से करेंगे बच्चे, जहां से उसको कट किया गया है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे ये पेपर वापस जब ओपन होगा तो कैसे होगा, यहां से ये इस साइड में ओपन होगा, क्योंकि फोल्ड कैसे हुआ था, ऐसे हुआ था। ओपन कैसे होगा बच्चे, ऐसे होगा, उसका अपोजिट होगा। अब जब ऐसे ओपन होगा तो जो इसकी साइड यहां पे जो इसको कट किया गया है, इस साइड का देखिए बच्चे, यहां पे इसको कुछ इस तरीके से कट किया गया है, और जब ये साइड ओपन होगी तो ये साइड कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी बच्चे। तो यहां पे देखिए सेम साइड कहां बनेगी, ऊपर बनेगी बच्चे, यस। ये साइड कहां बनेगी, ऊपर बनेगी। अब ये पेपर कहां तक है, यहां तक हमारा क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है, हाफ हमने यहां से यहां तक पहुंच गए। अब देखिए बच्चे यहां से ये ओपन कहां होगा, वापिस रिवर्स नीचे की तरफ, यहां से नीचे की तरफ ओपन होगा। जब यहां से नीचे की तरफ ओपन होगा बच्चे, तो हम क्या करेंगे, इसका जो ये साइड है ये और ये वाली साइड, तो ये क्या आएंगी, वापिस नीचे आएंगे। जब नीचे आएंगे तो जो ये साइड है और ये साइड है सेम साइड नीचे बनेगी, तो कैसे बनेगी बच्चे, यहां पे कुछ इस तरीके से ये साइड बनेगी, ये देखिए बच्चे, और ये वाली साइड भी क्या होगी उसी की तरह बनेगी। देखिए बच्चे ये ऐसे इसकी एक साइड बन जाएगी। तो हमारे पास पेपर जब ओपन होगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, पेपर कैसा दिखेगा बच्चे, जब ओपन होगा तो वो ऐसा दिखेगा। अब देखिए बच्चे ये हमारे पास कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में हमें ऐसा दिखाया गया है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए हमारा आंसर होगा। देखिए बच्चे ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन में एक चीज और देख सकते हैं, कि यहां पे जो कट लगाए गए हैं वो सेम डिफरेंसेस हैं उनके बीच में, और जब ये ओपन होगा तो वन से यहां पे जाएगा तब भी सेम साइड में ओपन होगा। तो हमें चारों ऑप्शन में अगर देखें तो यहां पे सिंगल कट है, यहां पे डबल कट है, इट मींस ये सिंगल कट सिंगल साइड वाला तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, तो हम इस ऑप्शन को भी क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इस ऑप्शन में भी देखिए बच्चे ओनली टू साइड पे क्या है, कट लगाया गया है, टू साइड पे ही आपका क्या है, कट है, जबकि इसको जब फोल्ड करके ओपन करेंगे तो ओनली टू साइड पे आना पॉसिबल नहीं है। अब बचाता है हमारा ये साइड, इसमें यहां तो दो दो है कट, बट इस साइड में क्या है, ओनली वन है, जबकि जब इक्वल आएगा हमने क्या देखा है, यहां से हर साइड पर इक्वल साइड जाएगी, टू टू कट ही हर साइड पर होंगे, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। हम इस तरीके से ऑप्शन को देख करके भी इसको कर सकते हैं। तो लास्ट हमारा फाइनल ऑप्शन कौन सा बच जाता है, ए। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा बच्चे।